सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपसे बात की थी वास्तु पर। जी हाँ, वास्तु दोषों से बचा किस प्रकार जाए, इससे जुड़ी तमाम जानकारी लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि जैन जी। चलिए एक बार फिर से शुभारम्भ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का और बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुरुआती दौर में अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यदि आपके जहन में भी कोई प्रश्न है, वास्तु से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आप विस्तारपूर्वक जानकारी लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, ईमेल आईडी आ रही है, आप उस पर भी संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी आसानी से सरलता से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज आप हमें बताएं कि वास्तु दोषों से बचा किस प्रकार जाए। देखिए, वास्तु दोषों से बचने के वैसे तो अनेक उपाय हैं, लेकिन सर्वाधिक जो प्रभावकारी उपाय हैं वो कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ। एक तो वृक्षारोपण जरूर कीजिए, हर साल कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाइए। वृक्षारोपण का बहुत ज़्यादा हमारे शास्त्रों में महत्व बताया गया है, आपको हजार गुना जो प्रकृति है वो वापस लौटाती है, आपके वंश वृद्धि होती है, आपकी जो संतान है वो योग्य बनती है, आप सही डिसीजन लेने में समर्थ होते हैं। इसलिए वृक्षारोपण ज़रूर कीजिए, वृक्षारोपण का एक अपना बहुत महत्व है। अगर आपको हजार गुना पुण्यों की प्राप्ति चाहिए, वास्तु दोषों से मुक्ति चाहिए, तो कम से कम हर साल 5 वृक्षों को जरूर उगाइए, उनका ध्यान कीजिए और इसे आप ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए। निश्चित रूप से आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, आपकी संतान आपकी आज्ञाकारी होगी और आपको बहुत सारे वास्तु दोषों से मुक्ति प्राप्त होगी। जी डॉक्टर साहब, कॉलर भी लेना चाहेंगे, कॉलर भी जुड़ी है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, बताएं क्या प्रश्न है आपका। हाँ नमस्कार मैम, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। नमस्कार मैम, मुझे 11 साल हो गए जॉब करते, लेकिन मुझे तरक्की नहीं हो पा रही, क्या इसमें वास्तुशास्त्र मैटर करता है? जी हाँ, वास्तुशास्त्र जरूर मैटर करता है, लेकिन मुझे आपके मकान का नक्शा तो उस टाइम मेरे सामने नहीं है जो आपको बता सकूं कि आप इसके अंदर क्या उपाय कीजिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसा मैंने अभी बताया, एक वृक्ष को लगाइए, उसका पालन कीजिए और एक जल संचय जरूर कीजिए। अपने ईशान कोण में तांबे के पात्र में अगर आप जल संचय करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो ये आपको निश्चित रूप से फायदा देगा। डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके समक्ष आते होंगे जिनके पास उनका नक्शा नहीं है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको दिशाओं का ज्ञान नहीं है कि हम किस दिशा में रहते हैं, या फिर हमारा घर या फिर फैक्ट्री या फिर व्यापार किस दिशा में हो रहा है, उन जातकों को, उन लोगों को आप किस तरह डील करती हैं? देखिए, वैसे तो दिशा ज्ञान बहुत आसान है, सूर्य पूरब दिशा से निकलता है, आप सुबह उठकर देखिए कि आपका सूर्य किस दिशा से उदित हो रहा है, उसे आप पूर्व दिशा मानिए और उसके अनुसार ही अपने फैक्ट्री का या अपने घर के वास्तु को जितना ज़्यादा व्यवस्थित कर सकते हैं व्यवस्थित करने का प्रयास कीजिए। जी, चूँकि आजकल लोगों को व्यापार से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है, तो हम चाहेंगे कि जो व्यापारिक लोग हैं वो क्या विशेष ध्यान रखें वास्तु को लेकर? देखिए, वास्तु को लेके विशेष ध्यान, सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपका द्वार किस दिशा में है, और वो द्वार की जो दिशा है वो हर व्यापार के हिसाब से अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी द्वार को यथासंभव स्वच्छ रखें। उसकी जो फर्स्ट आई कांटेक्ट है वो आपका प्रभावशाली होना चाहिए, आपका रिसेप्शन एरिया आपके व्यापार का प्रतिनिधि बने, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लगी हुई जो दिखाती हूँ कि आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं या आपकी क्या उपलब्धियाँ हैं, उन्हें दिखाएं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अपना जो तैयार माल है वो वायव्य कोण में रखें, कच्चा माल नैऋत्य कोण में रखें। वायव्य कोण में अगर आप अपना तैयार माल रखते हैं तो उसकी निकासी जल्दी होती है, क्योंकि वो चंद्रमा की जगह है, चंचल है, वहाँ कोई भी वस्तु ठहरती नहीं है,
तैयार माल का जो भंडारण है वो वायव्य कोण में करें और उसकी निकासी भी वायव्य कोण से करें या आग्नेय कोण से करें, जो शुक्र की दिशा है वहाँ से करें, आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। जी, अब थोड़ा सा यंत्रों पे भी जानूंगी मैं आपसे। जैसे श्री यंत्र है, लक्ष्मी कुबेर यंत्र है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, यंत्र का एक रेखा गणित है जो आपको कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस भावना से किस यंत्र को किस जगह स्थापित किया, उसके परिणाम भी उसी तरह प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि यंत्रों का उपयोग एक विशेष सलाह के अंतर्गत ही करें और बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। जी, ज़्यादा प्रयोग कार्य नहीं कर पाते हैं या फिर नुकसान देते हैं इस प्रकार से? नुकसान तो मैं नहीं कहूँगी, अगर आप किसी प्रोफेशनल की सलाह से अगर कोई यंत्र स्थापित करते हैं तो आपको फ़ायदा करता है, नो डाउट। आपके मन को प्रभावित करता है, आपके आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करता है, वो अपना कार्य करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इसके कई बार अगर आपने उसको पूरी तरह स्थापित नहीं किया या कोई गलत सलाह से बिना किसी जाने सोचे समझे स्थापित कर लिया तो उसके नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। जी, कहा जाए सलाह मशविरा के बाद ही किसी यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यदि आपका भी कोई प्रश्न है, वास्तु से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आप ईमेल आईडी से जुड़कर भी विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। नूडल्स? नो जंक फूड। जी, करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियाँ खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि जैन जी, जो लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हमें बता रही हैं कि किस प्रकार वास्तु से जुड़कर हम अपने जीवन के तमाम प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से जान सकते हैं। यदि आपका भी वास्तु से जुड़ा कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आप हमें ईमेल आईडी लगातार नीचे स्क्रॉल में हमारे यहाँ पर ये आप लगातार उस पर संपर्क करके भी विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे जहन में, लेकिन कॉलर्स भी जुड़ते जा रहे हैं, हम चाहेंगे उनसे भी उनकी भी समस्याओं को जान लें, कॉलर लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, से आप बात करें। हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मैं दिल्ली से, तो मैं इनसे बात करना चाहूंगा, जरा ये मेरी समस्या है थोड़ी सी। जी बताएं। मेरा घर जो है पश्चिम दिशा में है। जी, मेरे घर का गेट पश्चिम दिशा में है, घर के फ्रंट पर मैंने ना मनी प्लांट लगा रखा है, मुझे बताया था मेरे दोस्त ने। जी जी। तो लेकिन कुछ तब भी फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कहा था कि मनी प्लांट का पौधा लगाने से कुछ एनर्जी अच्छी हो जाएगी और ठीक होगा। जी, मुझे कुछ बताया कि मुझे पौधा वहाँ लगाना चाहिए या वहाँ से हटा दूं मैं? देखिए, पौधे तो सभी दिशाओं में अच्छा परिणाम ही देते हैं, लेकिन अगर आप उसे उत्तर दिशा में लगाएंगे तो ज़्यादा सकारात्मक और जल्दी परिणाम प्राप्त होंगे आपको। जी जी। तो उसे आप उत्तर दिशा में लगाइए, और उत्तर दिशा में लगाने के साथ साथ आप पौधों को, आप वृक्ष भी जरूर लगाइए, एक पेड़। हेलो। किसी सार्वजनिक जगह पर अच्छा, पेड़ों का वृक्षारोपण जरूर कीजिए, इससे भी आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। और मैम, वैसे हमने छत पर भी रखे हुए हैं गमले, तो वो अलग से हैं जिन छत पर जो हमने रखे हैं छोटे छोटे पौधे, जो पेड़ पौधे भी हैं फूल वाले भी हैं, उनका भी प्रभाव पड़ेगा वो छत पर रखे हुए? बिल्कुल बिल्कुल, सबका सकारात्मक प्रभाव आप पर आएगा। पौधे किसी भी जगह की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं,
इसलिए पौधों का एक अपना विशेष महत्व है। घर के अंदर कच्ची मिट्टी को जरूर स्थान देना चाहिए, उसके लिए मिट्टी के गमले अपने आप में बहुत अच्छा उपयोग है, उपकरण है। मिट्टी के गमले अपने घर में रखिए, उसमें पौधे लगाइए और मनी प्लांट को उत्तर दिशा में रखिए, आपको जरूर सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि उनका प्रश्न उन्होंने किया, उसी से जुड़ा एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग कहते हैं कि कांटेदार आप पौधे ना लगाएं, वृक्ष ना लगाएं, ऐसा क्यों? नहीं, देख, कांटेदार पौधे या दूध वाले वृक्ष उसके अंदर नहीं लगाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस तरह के पौधे लगाने से लड़ाई झगड़े और धन नाश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी, तो कांटेदार वृक्ष तो आसपास वैसे भी नहीं होने चाहिए। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कांटे चुभ सकते हैं। बिल्कुल, तो दूध निकलता है, बच्चे चाट सकते हैं उन्हें, तो थोड़ा दूध निकला, बच्चों ने चाट लिया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो आपके संतान को, आपके धन संपदा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कांटे वाले वृक्ष और दूध वाले वृक्षों को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। जी, हमारे शास्त्रों में इस तरह का निषेध किया गया है कि इस तरह के वृक्ष पेड़ पौधे घर के अंदर नहीं होने चाहिए। हालांकि गुलाब लगाया जा सकता है, गुलाब में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तुलसा जी का पौधा लगाएं, दक्षिण दिशा में ना लगाकर उसे अन्य सभी दिशाओं में लगाएं, आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जी डॉक्टर साहब, कई बार खुद भी पीपल का वृक्ष उगाता है, कई हमने लोगों को देखा है वो काट रहे होते हैं उस पीपल के वृक्ष को, और वैसे कहते हैं कि ग्रीनरी होनी चाहिए, तो ये क्या चीजें हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल है। नहीं, पीपल का वृक्ष नहीं, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा शक्तियों से युक्त होता है, बहुत पावरफुल वृक्ष है ये। जी, तो वैसे भी हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि स्वतः उगाए पेड़ जो अपने आप घरों के अंदर उग जाते हैं, ऐसे पेड़ों को निकाल देना चाहिए। आवारा पशु अगर घर के अंदर आ जाए उन्हें निकाल देना चाहिए। कबूतर के घोंसले घर के अंदर नहीं होने चाहिए, इनसे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा आती है। तो कोई भी चीज़ जो स्वतः उगाए, जैसे पीपल का पेड़ है वो स्वतः उगाता है, तो उसका हमें निराकरण कर देना चाहिए। वैसे भी ये हमारे जो दीवारें होती हैं उनके अंदर क्रैक्स पैदा कर देता है, बाउंड्री वाल को निकाल देता है, घर की नींव को कमजोर कर देता है बड़े होने के बाद में। इसलिए पीपल का पेड़ घर के अंदर नहीं होना चाहिए, और उसे जब वो छोटा है तभी उसका निराकरण कर देना चाहिए। एक बार फिर से बता दें, यदि आपका भी कोई प्रश्न है वास्तु से जुड़ा, आप जानना चाहते हैं किस प्रकार समस्याओं से समाधान तक पहुंचा जाए, स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, कोई क्वारीज देना चाहते हैं, नीचे लगातार स्क्रॉल में हमारी ईमेल आईडीज आ रही हैं, आप ईमेल आईडी से भी संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर साहब ऐसे लोग हैं जिनके घरों में स्पेस की कमी है, जी जगह बहुत कम होती है, सदस्य बहुत हैं घर में, जी जी किचन में समस्याएं आती हैं, टॉयलेट्स में दिक्कत आती है, जी जी हम अपना मंदिर कहाँ बनाएं, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं जो व्यक्ति के जीवन में आती हैं, उन समस्याओं से किस प्रकार व्यक्ति उभरे या फिर समाधान तक पहुंचे, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, एक तो घर जब भी बनाएं, भूमि तत्व आकाश तत्व का संतुलन का ध्यान जरूर रखें। भूमि तत्व आकाश तत्व संबंध से मेरा मतलब है कि जितनी जगह है उतना ही सामान रखें, उसी के अनुपात में सामान रखें, तो इससे आकाश तत्व यानी जो स्पेस है, एक आपको सांस लेने की जगह है, जो सोचने की जो जगह, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। आपको नए नए आइडियाज़ अगर चाहिए तो घर में स्पेस का जरूर ध्यान रखें, एक प्रॉपर सामान के बीच में और जगह के बीच में संतुलन अवश्य बनाएं। जी, और मैंने जानना चाहती कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्पेस की थोड़ी कमी रहती है, जैसे मंदिर है तो मंदिर के सामने ही टॉयलेट है, वहीं पर किचन है, तो ये चीज़ें कैसे व्यक्ति से? देखिए, इसमें क्या है, हमारे पास जगह की उपलब्धता थोड़ी है। वास्तु क्या है, भूमि से भवन, भवन से कमरा, कमरे से मेज, बिस्तर, माइक्रो है। तो हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास एक ही कमरा है तो कोशिश करें दक्षिण दिशा में उसका पलंग पड़ा हुआ हो, आग्नेय दिशा में हमारा चूल्हा रखा हुआ हो, उत्तर दिशा में बच्चों की स्टडी टेबल रखी हुई हो, और उसके कमरे के ईशान कोण में मंदिर लगाया जाए। इस तरह से आप अपनी जो जो आपकी गतिविधि की जो जगह है, जो रूम है, वास्तु के अनुसार उसको बना सकते हैं और एक वातावरण से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी किचन्स जो हैं वो स्टेयर्स के नीचे आती हैं, वो क्या संकेत देती हैं? स्टेयर्स के नीचे किचन नहीं होनी चाहिए, ये बात सच है, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, जी आपको बीमारियाँ घर में आ सकती हैं। तो इस स्थिति में व्यक्ति क्या करे? देखिए, ये स्थितियाँ तो ऐसी हैं जी कि कोशिश कीजिए किचन जो सीढ़ी के नीचे है वो किचन ना हो तो बेहतर है,
लेकिन अगर है तो उसे आप हल्का सा नारंगी रंग देकर या पीला रंग देकर बैलेंस कर सकते हैं। चूल्हे के नीचे आप एक येलो कलर का स्लैब रखें तो उसे बहुत हद तक इस समस्या से बचा जा सकता है। जी, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के प्रश्न इस कार्यक्रम के ज़रिए पूछ रही हूँ जिनको बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानी है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं डॉक्टर साहब जिनकी जो किचन है उसी में इन्होंने पर्दा दे के छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, क्या ये भी उचित है या नहीं? अगर आपने अपने किचन के ईशान कोण में मंदिर बना रखा है तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। ईश्वर की तो आराधना आप चाहे जहाँ करें, आप ईश्वर की आराधना में आपके भाव लगते हैं, आपकी आप किस भावना से पूजा कर रहे हैं वो भाव आपको फल देते हैं। ईश्वर तो आप कहीं भी रखें, वो तो सर्वव्याप्त है जी। आपको अपनी अपने मन से पूजा करनी है। अगर आप मन से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो परिणाम निश्चित प्राप्त होंगे, किचन में भी प्राप्त होंगे जी। किन रंगों का प्रयोग किया जाए ये भी आप डॉक्टर साहब हमें बताएं। पूजा घर में केसरिया रंग और पीला रंग सर्वाधिक शुभ होता है, क्योंकि ये बृहस्पति के रंग हैं जी, और बृहस्पति विवेक देता है, आपको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है, ज्ञान के गुरु हैं। तो इन रंगों को आप विशेष ध्यान रखें, पीला कपड़ा या केसरिया रंग का कपड़ा, गेरुए रंग के कपड़ों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं अपने पूजा घर में तो आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी उससे जी। ड्राइंग रूम्स, बेडरूम्स, टॉयलेट्स में किन रंगों का प्रयोग किया जाए ये भी आप हमें बताएं। ड्राइंग रूम में आप हल्के रंगों का प्रयोग करें, और ड्राइंग रूम में भी एक आप किसी देवता की जो फोटो है वो ज़रूर लगाएं, उसका एक विशेष महत्व है। जो ड्राइंग रूम है वो बुद्ध है, मतलब कम्युनिकेशन है वहाँ पर, और बृहस्पति ज्ञान के वो हैं। तो अगर आप उसमें ड्राइंग रूम में एक अपने इष्ट देव की अगर प्रतिमा या फोटो लगाते हैं तो उससे आपकी प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा बल मिलता है, आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत मजबूत होता है उससे। तो इसलिए ड्राइंग रूम में हल्के रंगों का प्रयोग करें। टॉयलेट में डिपेंड करता है कि वो किस दिशा में बना रखा है आपने, उसमें भी हल्के रंगों का, सफ़ेद रंग का, हल्के आसमानी रंग का, हल्के हरे रंग का प्रयोग करें, वो ज़्यादा आपको सकारात्मक परिणाम देगा जी। तो इस तरह से आप प्रयोग कीजिए। शयन कक्ष में आप चूंकि शुक्र की जगह है तो हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नैऋत्य कोण में है आपका शयन कक्ष तो आप हल्के पीले रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से आप रंगों का प्रयोग कीजिए। ज़्यादा बहुत तेज रंगों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के तेज रंगों का प्रयोग मानसिक उद्विग्नता को बढ़ाते हैं जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष बताएंगे आप? देखिए, मेरे अपने सभी दर्शकों से एक आग्रह जरूर है कि आप किसी न किसी रूप में वृक्षारोपण जरूर कीजिए। प्रकृति को आप जितना देते हैं उससे वो हजार गुना वापस आपको लौटाती है। जल संचय जरूर करें। जल का, जल संचय का आपने पढ़ा होगा कि पुराने ज़माने में लोग जलाशय बनवाते थे। आप जलाशय नहीं बनवा सकते, अगर आपके घर में जगह है तो वाटर हार्वेस्टिंग जरूर करें। और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अगर आप स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो आपके इष्ट देव, आपके वास्तुदेव हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। कोई वजह नहीं है कि आपको कोई भी वास्तु दोष किसी भी रूप में परेशान कर सके। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त। जी हाँ, लेकिन चलते चलते जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं, यदि वास्तु से जुड़ा कोई आपका प्रश्न है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई क्वारीज हैं कार्यक्रम के अंत में, आप हमारा ईमेल आईडी नोट अवश्य कर लें। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त। डॉक्टर साहब, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।